नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दूरदर्शन सबसे विश्वसनीय और श्रीनगर में बांटे निशुल्क दूरदर्शन डिश सेट टॉप बॉक्स। 9 करोड़ टेलीविजन डीटीएच से जुड़े। प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांगे हरिद्वार महाकुंभ के लिए 5,000 करोड़। नई दिल्ली में आयोजित प्री बजट कंसल्टेशन संबंधी बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की मांग। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए भी मांगी आर्थिक सहायता। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल पहुंचा चीन। चीन में दल का अभूतपूर्व स्वागत। इस बार यात्रा के सुगम और सुरक्षित रहने के आसार। और प्रदेश में कल से झमाझम बरसेंगे बादल। गर्मी से मिलेगी निजात। मानसून के लिए जुलाई तक करना होगा इंतजार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दूरदर्शन की सबसे बड़ी खूबी उसकी विश्वसनीयता है और दूरदर्शन सबसे बड़ा डीटीएच ऑपरेटर है, जिसके माध्यम से देश भर में लाखों लोगों तक कार्यक्रम पहुंच रहे हैं। आज श्रीनगर में निःशुल्क दूरदर्शन डिश सेट टॉप बॉक्स बांटने के लिए आयोजित समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश भर में लगभग हर भाषा के 700 से ज़्यादा टीवी चैनल काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय 9 करोड़ टेलीविजन डीटीएच से जुड़े हैं। श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार पूरे देश में निशुल्क डीटीएच सेट टॉप बॉक्स बांट रही है। अहम बात क्या है? दूरदर्शन माने विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, सच्चाई। अगर दूरदर्शन पे आए हैं ना तो सच है। ये लोग समझते हैं ये विश्वसनीयता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रसार भारती के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ने भी इस अवसर पर विचार रखे। मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने दूरदर्शन समाचार को विश्वस्त समाचार माध्यम बताया और कहा कि डीडी कश्मीर की सामग्री और प्रस्तुति बहुत शानदार है। कंटिन्यूस एफर्ट्स टू बी ए पार्टनर विद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इट्स जर्नी फ्रॉम द पीरियड ऑफ डिफिकल्टी टू द एरा ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। DD Free Dish has emerged as a boon to the masses and as an empowering tool at their doorsteps. DD Free Dish reaches out to more than 34 million households in India, which makes it the number one DTH service provider in India. With a bouquet of 95 TV channels, including DD and private channels, this presents the best example of public-private partnership. पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्र सरकार से हरिद्वार महाकुंभ के आयोजन के लिए 5,000 करोड़ की वित्तीय सहायता की मांग की है। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित प्री बजट कंसल्टेशन संबंधी बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि 2021 में आयोजित होने वाले कुंभ के लिए स्थायी प्रवृत्ति के कार्यों के लिए स्वीकृतियाँ भी प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। खेलों के आयोजन के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण और अवस्थापना विकास के लिए रुपये 682 करोड़ की धनराशि मौजूदा वित्त वर्ष में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने केंद्र सरकार से रोपवे सेक्टर में गौरीकुंड से केदारनाथ, नैनीताल रोपवे, गोविंद घाट से हेमकुंड के लिए एक अलग केंद्र सहायतित योजना शुरू करने का अनुरोध भी किया। इस बार मौसम ने अगर साथ दिया तो कैलाश मानसरोवर यात्रा अच्छी रहने के आसार है। यात्रियों को इस बार चीन की ओर से अच्छा व्यवहार देखने को मिल रहा है। यात्रा को संचालित करने वाले कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटन अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि यात्रा का पहला दल चीन में प्रवेश कर गया है, जबकि दूसरा दल चीन की सीमा के करीब है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का तीसरा दल धारचूला से पैदल यात्रा को रवाना हो गया है। नहीं, देखिए, प्रथम दल हमारा लिपू पास करके चाइना में प्रवेश कर चुका है। वहाँ सारी व्यवस्थाएं चाइना गवर्नमेंट द्वारा देखी जाती हैं और व्यवस्थाएं सुचारू हैं। दूसरा दल हमारा कल लिपू पास करेगा और तीसरा दल आज हमारा धारचूला पहुँच चुका है। तो दल हमारे पूरे इंडियन साइड में तो हम उनकी पूरी देखभाल कर ही रहे हैं, चाइनीज साइड में भी पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पहले दुर्गम रास्तों के पड़ाव में यात्रियों को अपने परिजनों से बात करने और दल से संपर्क रखने के लिए BSNL के उपग्रह वाले फोन थे, लेकिन इस बार 5 सैटेलाइट फोन अलग अलग पड़ावों में लगाए गए हैं ताकि यात्रियों से संपर्क बना रहे। सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से DSPT तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन पिथौरागढ़ का हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने 5 सैटेलाइट फोन वहाँ उपलब्ध करा रखे हैं जिनके माध्यम से यात्री बात कर सकते हैं। प्रदेश में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी और 24 जून से 26 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद प्री मानसून बारिश लगातार जारी रहेगी, जबकि मानसून जुलाई पहले सप्ताह तक प्रदेश में पहुंचेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अब प्रदेश में तापमान भी सामान्य स्तर तक आ जाएगा। उत्तराखंड में अभी 3 से 4 दिन जो आगे आने वाला है उसमें जो कुछ जगहों पे जो हल्की से मध्यम बारिश जो है, खासकर मैं कहूँगा कि जो पहाड़ी इलाका हमारा है, हिल्स जो है उसमें रहेगी कुछ जगहों पे, और 23 से थोड़ा जो रेनफॉल एक्टिविटी वो स्कैटर्ड ही है, हालांकि 23 को भी तो वो मैदानी क्षेत्रों में भी आ जाएगी। मैं समझता हूँ 23 को जो प्लेन्स वाले एरियाज हैं उत्तराखंड के उसमें भी रेनफॉल एक्टिविटी मिलेगी कुछ जगहों पर, साथ साथ पहाड़ों में कुछ जगहों पर मिलेगी, और 24-25 को या 26 को बात करें तो ये 2-3 दिन जो है 24 से लेकर 26 तक का जो पीरियड है उसमें पूरे प्रदेश में फिर अनेक जगहों में है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लाइट से मॉडरेट तक की, तो वो जो पीरियड है उसमें मैं कहूँगा कि पूरे प्रदेश में करीब करीब जो है ठीक ठाक एक्टिविटी जो है 24 से लेकर 26 के बीच में वो रहेगी। तो उसकी वजह से जो अभी तक टेम्परेचर भी थोड़े बहुत अभी भी ऊपर चल रहे हैं तो वो फर्दर नीचे आएंगे और नॉर्मल के आसपास ही फिर उसके बाद वो रहने चाहिए। जहाँ तक मानसून की बात है तो उसमें थोड़ा समय अभी है, मैं समझता हूँ 1st वीक जुलाई तक ही आ पाएगा, लेकिन जो प्री मानसून शावर टाइप की जो एक्टिविटीज है तो आप ये कह सकते हैं कि 24 से आगे जो है वो कुछ हद तक मिलनी अब शुरू हो जाएगी। वहीं आज देहरादून में दोपहर तक तेज धूप रही, लेकिन बाद में आसमान में बादल छाए और बारिश हुई। उधर चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों में रुक रुक कर हुई बारिश से लोगों को राहत मिली। जिले के पाटी, खेतीखान, लोहाघाट और चंपावत सहित अन्य स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मौसम खुशगवार रहा। कौशल विकास और सेवा योजन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में रोजगार परक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत रोजगार मेला को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। विधान भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछले वर्षों में रोजगार मेला के माध्यम से जिन लोगों को नियोजित किया गया है उनकी मॉनिटरिंग की जाए, रोजगार के लिए उपलब्ध धन का 100% उपयोग किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने राज्य में रोजगार परक हॉल तैयार करने पर बल दिया। आज ये निर्णय लिया है कि हम इम्प्लॉयमेंट के जो मेले लगते हैं केवल हम खाना पूर्ति करने के लिए, लक्ष्य पूर्ति करने के लिए मेलों की मेले नहीं लगाएंगे। हम मेलों के माध्यम से जो कंपनियां नियोजित करेंगी, हम अगले 3 और 4 साल तक जिसको मेले के माध्यम से नियोजित किया गया है उसका मॉनिटरिंग करेंगे कि उस कंपनी के द्वारा उसको रोजगार पे रखा गया है नहीं रखा गया, क्योंकि प्रायः ये देखने को मिला है कि रोजगार मेले में कंपनियां आती हैं, 100-200 लोगों युवाओं को रोजगार देने के बात करती हैं, 2-3 महीने उनको प्रशिक्षण रखती हैं फिर उनको निकाल देती हैं, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ एक मजाक होता है। तो हम इस योजना को जो रोजगार मेले हैं उनको धरातल पर ले जाना चाहते हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा इस वर्ष 10,000 छात्रों को ITI में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ITI को और अधिक सुसज्जित किया जाएगा। प्रदेश में मौजूदा समय में 148 ITI संचालित हैं, जिनमें लगभग 14,500 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत प्राचार्य के 32 पदों में से 16 पद रिक्त हैं, जिसके लिए अधियाचन भेजा जाएगा और खाली पदों पर शीघ्र DPC की जाएगी। जैसे 32 कमीशन के पद थे जिसमें कि 16 ही पद भरे हुए हैं, इन 16 पदों पर जो ITI के प्रिंसिपल के पद खाली हैं इन पर हमने शीघ्र आयोग को अधियाचन भेजने का निर्णय लिया है। जो टिहरी जिले में इस बार मानसून के दौरान जल संचय को प्राथमिकता दी जाएगी। जिलाधिकारी सोनिका ने जल संचय के लिए टीमों का गठन कर दिया है।
ये टीमें ग्राम पंचायतों को जल संचय के लिए जागरूक कर रही हैं। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जन सहयोग से जल संचय के कार्यों का उद्घाटन भी किया। जिलाधिकारी सोनिका ने भी विकासखंड चंबा के चवाल खेत में स्थित चाल खाल का जीर्णोद्धार करने के लिए श्रमदान किया। उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और क्षेत्रीय और ग्रामीणों ने भी श्रमदान कर चाल खाल की सफाई और खुदाई की। पहले एक अच्छा स्रोत हुआ करता था, यहाँ पानी हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश ये सूख गया है। तो इसको दोबारा रिवाइव करना और किस तरह से इसको इसकी टेक्निकलिटीज़ भी देखते हुए इसे रिवाइव किया जाए जिससे कि भविष्य में कभी ना सूखे, उसका आज प्रयास किया जा रहा है। और इसको हमने टेकअप किया है आज एज अ अभियान। यहाँ पर हमारी पूरी टीम आई हुई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वर्षा जल संचय की अपील की है। वहीं बुड़ोगी के ग्राम प्रधान त्रिपन सिंह नेगी और ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की है। विभागीय भी थोड़ा कमी होने के कारण इस पे जो है पानी का ठहराव जो है खत्म हो चुका है, जिस कारण हमारे जो है गांव के जो जानवर या जो और चीज़ इस पे पानी लेती थी वो जो है आज जो है पूरा खत्म की कगार पे हो गया। लेकिन जो कार्यक्रम आज विभाग द्वारा और डीएम साहब द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें सब ग्रामवासियों का भी सहयोग मिलेगा और हम चाहते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावा दिया जाए। जो जाल थी अब सूख चुकी है, यहाँ पानी पूनी कुछ नहीं है, सड़क आ गई, इसकी वजह से पानी का स्रोत सूख गया, पानी का कोई साधन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ ये जो जाल है बड़ी सी बन जाए, अच्छे ढंग से बने और हमारे पशुओं के काम अच्छे ढंग से ये पानी पीने के काम आए। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि चमोली जिले के सीमांत गांव माणा में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय महिलाओं के स्थानीय पहाड़ी व्यंजनों, उत्पादों और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि स्वरोजगार के साथ ही पारंपरिक धरोहरों और सांस्कृतिक परंपराओं को भी संरक्षित किया जा सके। इस मौके पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि माणा गाँव में ऊनी कार्डिगन प्लांट स्थापना के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। राज्यपाल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को माणा गांव में प्रत्येक माह स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। वहीं राज्यपाल ने आज सुबह भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर महाभिषेक पूजा भी की। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने अगस्त्य मुनि विकासखंड में प्रसिद्ध पर्यावरणविद जगत सिंह चौधरी जंगली के गांव में जाकर मिश्रित वन का भ्रमण किया। विभिन्न प्रजातियों के लगाए गए देवदार, रूम घास, ढाक, वाइल्ड एनिमल, टाइक्स हवाला, हरेंज, चंद्रा, चमकड़ी, नपेल, कदम, तेजपत्ता, रुद्राक्ष, बड़ी इलायची, गामन, जसीन, चारापत्ती, चाय और इमारती लकड़ी, चौनी बांस के पेड़ पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। इसके बाद जिलाधिकारी ने मिश्रित वन क्षेत्र में बांज का पौधा रोपित किया। इसके बाद उन्होंने राजकीय प्राथमिकता विद्यालय कोटतल्ला में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि लोगों को वनों के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए, वनों से ही पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सकता है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों और बच्चों को वनों और पौधरोपण का महत्व भी बताया। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा दूरदर्शन सबसे विश्वसनीय। श्रीनगर में बांटे निःशुल्क दूरदर्शन डिश सेट टॉप बॉक्स, 9 करोड़ टेलीविजन डीटीएच से जुड़े। प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांगे हरिद्वार महाकुंभ के लिए 5,000 करोड़। नई दिल्ली में आयोजित प्री बजट कंसल्टेशन संबंधी बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की मांग, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए भी मांगी आर्थिक सहायता। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल पहुंचा चीन, चीन में दल का अभूतपूर्व स्वागत, इस बार यात्रा के सुगम और सुरक्षित रहने के आसार। और प्रदेश में कल से झमाझम बरसेंगे बादल, गर्मी से मिलेगी निजात, मानसून के लिए जुलाई तक करना होगा इंतजार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।